स्वागत है आप सबका सुराही लाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 7 अक्टूबर को किसान सौंपेंगे उपजिलाधिकारी को ज्ञापन। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने खोली वार्ड नंबर 30 में सफाई की पोल। रामनगर रोड पर कार से टकराई बाइक, एक की हालत गंभीर, मौके से कार में सवार फरार। नवीन अनाज मंडी परिसर में लगाए गए 4 क्रय केंद्र। दिवाली के समय ठेले न हटाए जाने हेतु व्यापारियों ने की मेयर से मुलाकात। दुर्गा कॉलोनी शिवलालपुर दल्लू कुंडेश्वरी में माँ दुर्गा मंदिर की स्थापना के लिए किया गया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम लगातार स्वच्छता को बढ़ावा देने की बात करता है, परंतु एक वीडियो में इसकी असलियत नजर आ रही है। बता दें कि वार्ड नंबर 30 की एक वीडियो में ऐसी बदहाल स्थिति देखने को मिली, जिसमें नालियों से पानी सड़कों पर बहता हुआ, कूड़ा नालियों से गली के अंदर तक फंसा हुआ और कीड़े मकौड़े नालियों में पनपते हुए नजर आए। यह वीडियो काशीपुर के पुष्पविहार कॉलोनी वार्ड नंबर 30 का है, जहां लोग लंबे समय से इस गंदगी से निजात पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुझे ये जानकारी आपके द्वारा अभी प्राप्त हुई है। मैं यही कहना चाहूंगी, यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे घर का पानी किसी दूसरे के घर के सामने न जाए, तो स्थिति यही होती है। जब सब पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों को आपस में मिलकर ही समाधान निकालना होता है कि पानी को सही रास्ते जाने दें। अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति नाली को बंद कर देंगे तो निश्चित ही जो पानी है वो सड़क पर ही आएगा। और ये सड़क और नाली दोनों ही अभी 6 मेरे ख्याल से 10 महीने पूर्व ही इन सड़कों का निर्माण हुआ है, तो उसके बाद भी मैं यही कहूंगी कि आपके द्वारा जो मेरे संज्ञान में आया है, मैं अभी किसी को भेजती हूँ, भेजने के बाद पानी निकालने की किस तरीके से वो व्यवस्था हो पाएगी उसको मैं अभी दिखवाती हूँ उस चीज को। रामनगर रोड पर धनौरी से आगे एक बाइक कार से टकरा गई, जिससे बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक को चोट कम आई है। मौके से कार में सवार सभी व्यक्ति फरार हो गए। विगत दिनों जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा किसानों की फसलों के पुरालों को लेकर जारी किए गए आदेशों के बाद भारतीय किसान यूनियन इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसके चलते आगामी 7 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू की अध्यक्षता में सैकड़ों किसान उपजिलाधिकारी काशीपुर के कार्यालय पर एकत्रित होकर पंचायत कर ज्ञापन सौंपेंगे और अपना सांकेतिक विरोध प्रकट करेंगे। ये जो तुगलकी आदेश प्रशासन ने दिया है सरकार के माध्यम से कि किसान अपनी पुराल को नहीं जलाएगा, बिना किसी नीति को बनाए हुए, बिना कोई मुआवजे को घोषित किए हुए, बिना किसान संगठनों के साथ राय मशवरा किए हुए इन्होंने आदेश कर दिया जी किसान पुराली नहीं जलाएगा। भाई अगर हम पुराल नहीं जलाएंगे तो हमें लगभग अपनी जमीन को 10 से 15 बार जोतना पड़ेगा और एक बार उसका जुताई का खर्चा 1000 के करीब होता है। लगभग 8 से 10 हजार रुपये सरकार हमारे पर एक पुराल ना जलाने के लिए एक दंड डाल रही है। तो इसके विरोध में मैंने सोशल मीडिया पर बताया और कल हम माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक किसानों की पंचायत बुलाई है, उसमें सभी किसान इकट्ठा होंगे, वहां पर पंचायत करेंगे। पंचायत करने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम साहब को, और आगे की रणनीति जो है कल हमारे वहां पर जो किसान भाई आएंगे बैठकर तैयार करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि आप कल पहुंचिए एसडीएम कार्यालय पर, और ये जो पुराल ना जलाने का आदेश है इसका हम विरोध करते हैं। जब तक हमें ये मुआवजा नहीं देंगे लगभग 10 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से, तब तक हमारा ये विरोध चलता रहेगा। और बाई चांस इन्होंने हमारे किसानों पर सख्ती की और मुआवजा दिए बिना, नीति बनाए बिना अगर इन्होंने सख्ती की, तो मैं बताना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ
कि हम जो पुराल है वो सरकारी दफ्तरों में इनके लाकर भरने का काम करेंगे। काशीपुर के नवीन अनाज मंडी परिसर में 4 क्रय केंद्र लगाए जा चुके हैं और किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। आगामी दिनों में होने वाली खरीद प्रक्रिया के लिए सरकारी मंडी विभाग तैयारी कर चुका है। काशीपुर नवीन अनाज मंडी परिसर में आरएफसी महोदय के 4 क्रय केंद्रों का उद्घाटन हो चुका है। 1 तारीख से 4 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो जिनके 2 फड़ हैं, पहला दूसरा इसी आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और तीसरा और चौथा कांटा सामने लगा है। तो अभी जो अमूमन किसान आ रहे हैं उनका जो MSP के मानक हैं उनके अनुसार उनका मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, तो 2-4 किसानों का हमने मॉइस्चर देखा है तो वो 20-21 के आसपास आ रहा है और किसान निरंतर अपना रजिस्ट्रेशन विभागों में करा रहे हैं। इन 4 कांटों के लिए SMI ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो ओपन सोसाइटी हैं, सहकारी सोसाइटी UCF, इनके लिए भी लॉगिन ID दे दी है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और किसान स्वतः भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब लग। आज नगर निगम में विहिप जिला अध्यक्ष राजीव परनामी के नेतृत्व में GGIC के पास ठेला लगा रहे व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी समस्या रखी। उनका कहना है कि वह पूरे साल अपना ठेला लगाते हैं, परंतु दिवाली के समय उनको वहाँ से 5 दिनों के लिए हटा दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। ऐसे में आगामी दिवाली इस तरह की स्थिति ना हो, इसके लिए लोगों ने महापौर उषा चौधरी के समक्ष अपनी समस्या रखी। इस दौरान मेयर ने सभी ठेला व्यापारियों को आश्वस्त किया। 60 दिन ये मेहनत करते हैं तो 5 दिन दीपावली का लेते हैं, ये कहाँ जाएं? इनके ठेले उस जगह पे लगा हुआ खाने वाले को नहीं मिलता, तो वो आदमी वो खाने वाले उनकी वो सेल नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी, तो उनकी दीपावली पे फर्क पड़ रहा है। वह दूसरा पक्ष वो भी हमारा है, तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ तो कहीं भी जहाँ भी 10 तरीके की चीजें स्टॉल लग जाएंगे, कस्टमर तो वहाँ जाएगा। 360 दिन हम लगाते हैं अपने ठेले और दीपावली के दिन में 5 दिन के लिए हमें हटा दिया जाता है और नए लोगों को स्थापित कर दिया जाता है। तो हमारी जो दीपावली है और हमारे जो परिवार का भरण पोषण है उस पर इफेक्ट पड़ता है और 5 दिन नए लोग आगे दुकान लगा देते हैं, फल लगा देते हैं और जो 360 दिन ठेले वाले होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो वो दीपावली कहाँ मनाएं और जो नए लोग हैं उन्हें कहीं नई जगह पे लगाया जाए और जो पुराने 360 दिन मेहनत कर रहे हैं वो उस जगह पर रहें, ताकि दीपावली हमारी भी तो है जो हम मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम में, तो हमारे लिए कोई जगह व्यवस्था नहीं होती और हमें हटाकर दूसरे लोगों को लगा दिया जाता है। तो व्यापार उन लोगों के भी है, व्यापार हम लोगों के भी है, तो उनको नई जगह दी जाए और हम जहाँ 360 दिन लगा रहे हैं हमें वहीं पर लगाने दिया जाए, ताकि हम अपनी दीपावली मना सकें। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारी माननीय मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जो है तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अच्छा निर्णय हो। दुर्गा कॉलोनी शिवलालपुर दल्लू कुंडेश्वरी में भव्य माँ दुर्गा मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी, युवक मंगल दल के अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ला रहे। इस मंदिर का निर्माण 1500 स्क्वायर फीट में हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रवासी भी धर्म लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश में होने वाले 2023 में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अभी से अपनी तैयारी कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुधा शर्मा ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में अपना पूर्ण बहुमत दिया है, वैसे ही आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर विजय हासिल करेगी। प्रदेश में जो अगले वर्ष निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं और हमारे जो बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में संपर्क बनाए रखते हैं और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने हम पर विधानसभा चुनाव में इतना विश्वास रखते हुए हमें इतनी भारी हासिल जीत
कराई, उसी प्रकार से आने वाले निकाय चुनाव में भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रदेश की जनता हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी और हम भारी जीत हासिल करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुराही लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।